बस मैं अकेला हूँ फ्लाइट के अंदर यहाँ पे। तो हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं अभी 12:30 और मैं इतनी रात तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हो रही है यहाँ पे टिकट की प्लानिंग। मैं बुक कर रहा हूँ टिकट फ्लाइट की और वो मैं आपको सुबह बताऊंगा जब मैं निकलूंगा घर से एयरपोर्ट के लिए। तो बीच मतलब एयरपोर्ट जब मैं पहुंच जाऊंगा कुछ वहाँ पे लैंड कर जाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे फटाफट टिकट बुक करते हैं और सोते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि फ्लाइट क्या कहते हैं एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँचना होता है। चेकिंग बंद हो जाती है एक घंटे पहले बोर्डिंग बंद कर दी जाती है, तो मैं 2-3 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, थोड़ा घूम भी लूंगा एक्सप्लोर भी कर लूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। तो एयरपोर्ट को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, आपको भी अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आप वहाँ पे ना गए हो तो मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा जो भी आपने नहीं देखी हो वहाँ पे, और यहाँ पे फेमस जगह होगी एयरपोर्ट के अंदर कैसा प्रोसेस रहता है, क्या कुछ रहता है, कैसे मतलब फ्लाइट के अंदर जाने का प्रोसेस रहता है, चेकिंग का, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जो भी होगा मैं आपको कल ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो अभी मैं टिकट जल्दी से बुक करता हूँ और फिर सुबह मिलता हूँ आपको जैसे ही मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। इट्स टाइम टू वेक अप भाई। 4:30 हो गए और 2 घंटे की नींद ली, वो भी प्रॉपर नींद नहीं आई। और देखो बाहर का कैसा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा पूरा। अभी तक ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है। अब मेरी फ्लाइट तक कितने बजे की है, 9:30 बजे की मेरी फ्लाइट है। तो अभी नहा धो के कुरान शरीफ पढ़ के नमाज पढ़ के उसके बाद हम निकलेंगे 6:30, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुँचते हैं बेस्ट रहता है सब चीज़ के लिए। वो जल्दी से नहाते हैं और आवाज़ थोड़ी भारी होगी, 2 घंटे की नींद पूरी भी नहीं हो पाई है। फिर देखते हैं, चलते हैं एयरपोर्ट अपना 6:30 बजे से निकलते हैं, नमाज वमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के। तो फाइनली भाई तुम्हारा फुल रेडी हो चुका है, कैब भी आ चुकी है और लेट भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, 8 बजे बोर्डिंग बंद हो जाएगी और मेरे को लेट हो चुका है यार। तो कैब भी आ गई है, सामान डालते हैं चलते हैं। क्या हो गया, चल चल आज। ओह फाइनली मुंबई, वो रही अपनी कैब। फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट टर्मिनल पे। जल्दी से करता हूँ जाके मैं अपनी बोर्डिंग करवा दूँ। कितना अमाउंट होगा? 952 रुपये हो गए। मैं देखता हूँ मेरे बैग ये रहा। और ज़्यादा ही क्राउड है क्या? क्या जगह तो टाइम से पहुंच गया, अभी भी टाइम है। 9:30 की फ्लाइट है ना, जब भी टाइम है मेरे पास। मैं एंट्री लूंगा 2 से 3 से एंट्री लेता हूँ। हाँ इसी गेट से लो, यहाँ पे कम रश है भाई। मेरे गेट नंबर 1 पे एंट्री है विस्तारा से, विस्तारा की सारी एंट्री गेट नंबर 1 पे है। और डिजी लॉकर मैंने डाउनलोड नहीं किया, तो मेरे को मतलब मैं लाया हूँ वैसे भी, उसकी हार्ड कॉपी लाया हूँ मैं। यहाँ से एंट्री मेरी गेट नंबर 1 से। हाँ ठीक है। अस्सलाम, पापा आए थे, मम्मी आई थी और बहनें आई थी मेरी, सीखन आया था। ठीक है बाबा, यहाँ से मेरी एंट्रेंस है गेट नंबर 1। ठीक है फाइनली मैं आ गया हूँ अंदर अभी एयरपोर्ट के, और मेरे को जल्दी से वो देखना है तारा का लगेज का, कहाँ पर मैं अपना लगेज दूँ। और एक हाथ तो मैं एक इस ये तो वहाँ मैं अपने साथ रखूँगा बैग, लगेज देना है मेरे को एक वालों, वो इसका देख रहा हूँ मेरे को। विस्तारा किधर है? विस्तारा वो रहा, विस्तारा मेरे को यहाँ पे देना है अपना लगेज। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, कोई बात नहीं जल्दी देख के आपसे मिलता हूँ फिर मैं। भाई 10-15 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए यहाँ पे, लगता टाइम मेरे को काफ़ी जाएगा यहाँ पे, ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बैग चेकिंग में रश है, मैं लेट हो गया। जल्दी आता ना तो जल्दी फ्री हो जाता मैं, बट कोई नहीं, मेरे को ज़्यादा घाई भी नहीं है, आराम से फ्लाइट में मिलेंगे यार, फ्लाइट में आपसे बातें कर लेंगे। और वैसे अभी फ्लाइट को 9:30 पर मेरी फ्लाइट है, तो अभी भी 1.5 आवर है यार। विस्तार वाले भी बहुत ड्रामा करते, कभी इस साइड भेज रहे हैं कभी उस साइड भेज रहे हैं, 2 बार मेरे को इधर उधर कर दिया लगेज के चक्कर में। काफी लोग यार नाराज भी हो चुके हैं, 2 बार इधर उधर कर दिया उन्होंने हमें। तो फाइनली मेरे को मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है, सिक्योरिटी चेकअप के लिए, उसके बाद फिर फ्री होऊंगा। भाई साहब बहुत टहला दिया मेरे को विस्तारा वालों ने, इधर उधर आधे घंटे इधर आधे घंटे उधर, काफी ज्यादा बोरिंग हो गया। बट फाइनली मेरे को मेरा मिल चुका है बोर्डिंग पास, तो फाइनली मेरा सिक्योरिटी चेकअप भी कम्प्लीट हो गया। भाई इसमें तो सब कुछ उतरवा देते हैं, बेल्ट से लेकर रिंग से वॉच एनीथिंग यू ओके बट थ्रू आउट। भाई एयरपोर्ट का मॉल मेरे को ज्यादा लग रहा है, काफी ज्यादा शॉप भी ऐसे हेमलेट्स की है, मॉन्टेब्लिक्स, मतलब ज्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। आपको ये एयरपोर्ट का मॉल ज्यादा लगेगा, और मेरे को मॉल ही लग रहा है ये। देखो वहाँ पे लैकोस्ट है, अलग अलग ब्रांड्स हैं, आपको ज्यादा यहाँ पे ब्रांड्स दिखेंगे, मतलब
वेटिंग एरिया दिल्ली का काफ़ी अच्छा है, और मुंबई का देखते हैं कैसा है। मेरे को लगता है मुंबई का छोटा ही होगा, और ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, तो ये सब पॉसिबल है पापा की वजह से। भाई पापा ने मेरे को हर एक वो शौक पूरा करवाया, जो मतलब बंदे अपने पैसों पे करते हो, पापा मेरे को उसके पैसों पे करवा रहे हैं। मतलब जिन बंदों का ड्रीम होता है ना, वो सब मेरे पापा मेरे को दे रहे हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो फ्लाइट, कुछ भी हो, एनीथिंग, सब कुछ पापा करवाए रहे मेरे को। अच्छी लाइफ है मेरी, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ का। तो यहाँ मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि टाइम हो गया अभी 8 o'clock। फाइनली अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। ये एस्केलेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यूनिक है। तो गेट नंबर मेरा 42 है, मे बी ये 42 मेरा गेट नंबर है। यार इसको देखो, इस व्यू से अलग ही प्यार हो गया मेरे को, काफ़ी यूनिक लग रहा है ना ऐसा शीशे में बाहर पूरा रोड दिखना। पहले हम आते तो हम बाहर से देखते थे कि अंदर कैसा होगा, अंदर क्या होगा, और अंदर आओ तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर से भी, बाहर से भी काफ़ी प्यारा है, अंदर से भी काफ़ी प्यारा है एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 3 पूरा कंप्लीट है। यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, और बेसिकली कुछ फ्लाइट जैसे मुंबई की हो गई, जम्मू कश्मीर, वो फ्लाइट जाती है यहाँ से ना। बाकी सारे टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, लास्ट टाइम भी मैं आया था टर्मिनल 1 पे आया था, शराबा को छोड़ने आया था उस टाइम भी मैं टर्मिनल 1 पे आया था, और अभी टर्मिनल 3 पे हूँ मैं। अब मेरे को देखना है मुंबई का एयरपोर्ट कैसा है, दिल्ली का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुंबई का भी देखना है। और यहाँ पे जो खाने के सामान है ना, ये बहुत महंगा है, काफ़ी कॉस्टली है। पता है इतना कॉस्टली क्यों होता है एयरपोर्ट का खाना? क्योंकि इनका रेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उनका रेंट निकालने के लिए इसको इतना ज़्यादा अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल नहीं होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो ये मेरा वेटिंग एरिया 341 है, मेरे को बैठना है 42, सॉरी मैं 3 बार देख चुका हूँ मैं, 42 42। ये देखो आप बाहर का व्यू दिख रहा है यहाँ से एयरपोर्ट के, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा भी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमना भी पड़ रहा है हमें। तो देखो गेट नंबर 39 to 62, मेरा 42 तो मेरा इसी लाइन के अंदर है, मेरे को यहीं से सीधा चलते रहना है, और मैं 2 से 13 मिनट के बीच पहुंचूंगा वहां पे। जस्ट वेट, फाइनली मेरे को मेरा नंबर मिल गया 46, काफी टाइम बाद 46 गेट नंबर मिला। नमस्कार, कृपया ध्यान दें ये अंतिम सूचनाओं से भी यात्रियों के लिए है। अब कम लोग दिख रहे हैं यार मेरे यहाँ पे, देखो एयरपोर्ट पे इतना मस्त लेट गया था, हमें मेरे को पता ही नहीं था। ये देखो फुल लेट गया मैं, मजा आ रहा है यार काफी, एयरपोर्ट पे इतने अच्छे इंतजाम है। मेरे सामने देखो प्लेन प्लेन का व्यू है, वो खड़ा है, वो स्पाइस जेट का मे बी, और मैं विस्तारा का ट्रैवलर हूँ, तो मेरा टाइम मतलब मेरा प्लेन अभी लगा नहीं है, शायद लगेगा वो टाइम है अभी, अभी 1.5 घंटा टाइम है यार। मैं मेरे को लगा मैं लेट हो गया, बट मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, मैं बहुत जल्दी आया हूँ भाई। मेरे को 1.5 घंटे ऐसे ही बैठना है अभी, खाली खाली, क्या करूँ, गेम भी डाउन नहीं किया है और चार्जिंग भी बहुत कम है, खाली खाली बैठना है, मज़ा नहीं आ रहा यार। और मेरे को एक्सप्लोर भी नहीं करनी जगह, उतने कुछ खास नहीं है, बस सेम ही सेम, अब गेट नंबर से मैं एक्सप्लोर करने का भी मन नहीं कर रहा है यार। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं मेरे फ्लाइट में जो है, देखो पूरा खाली खाली है, मेरे को गिने चुने लोग दिख रहे हैं। तो यार प्लेन खाली हो तो कोई बात नहीं, वैसे मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ, बट थोड़ा प्लेन क्राउड रहता तो अच्छा लगता है, मतलब कोई दोस्त बन जाए साथ में, बट लग नहीं रहा कोई बनेगा क्योंकि पूरा प्लेन खाली है, मैं नहीं बन पाया इस बार, कोई दोस्त नहीं बन पाएगा फ्लाइट में। मेरे को लगा मैं किसी को दोस्त बना लूँगा, बट लग नहीं रहा, इतना क्राउड ही नहीं है, 5 6 लोग हैं, वो भी ज़्यादा एजेड लोग हैं, तो एजेड लोग से मैं बात क्या ही करूँगा, तो मेरे साथ का हो या फिर एज का, या फिर थोड़ा बड़ा भी हो तो चलता है, बट एजेड लोग से मैं क्या ही बात करूँगा। कोई बात नहीं, चलते मुंबई, मुंबई में देखते हैं क्या हो रहा है। और आज शायद गणेश चतुर्थी है, तो और भी ज़्यादा क्राउड होगा मुंबई में, क्योंकि मुंबई की गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो वही देखते हैं कैसा रहता है। और मैं सबसे पहले जहाँ जाऊँगा वो जगह है, चलो आप ब्लॉग में देख लेना था, वो नहीं बताता, आप ब्लॉग में देख लेना, और होपफुली आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करते होगे, बस देखते नहीं होगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लोग तो आ रहे हैं, फाइनली हमारा प्लेन लग गया है, ये लग रहा है हमारा प्लेन फाइनली, तो चलो बस चलने वाले हैं, हम इसके अंदर बैठने वाले हैं थोड़ी देर में। टाइम आ गया है, बोर्डिंग कंप्लीट, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट के अंदर, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, नींद भी बहुत आ रही थी बट मैं सोया नहीं बहुत ज़्यादा ही। फ्लाइट जा रहे अपनी फ्लाइट की तरफ, 4 है हमारी फ्लाइट, लेट हो गया, मे बी 1.5 आवर में वेट ही कर रहा था। के अंदर जा रहे हैं लोग, दिस इज अ प्लेन, सीट मिल गई मेरे को मेरी, जस्ट लुक एट दैट व्यू, नो से बहुत देर बाद सीट मिली है भाई, कौन बनी पता नहीं कितना टाइम ले गया। मैं अभी धूप बहुत आ रही, गर्मी हो रही है काफी ज्यादा, देखो रनवे देखो कितना प्यारा है। एक ऑफ का टाइम है अभी, 9:26 हो गए हैं,
और बोर्डिंग पास पे क्या लिखा था? 9:30 का डिपार्चर। नहीं नहीं भी टाइम है, 4-5 मिनट टाइम और टेक ऑफ का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम टू टेक ऑफ। फिर जैसे प्लेन चला ही रहे, उड़ा नहीं रहे। मैं बोला अपना प्लेन की जगह बस का टिकट खरीद के और ले रहेगी टेक ऑफ में। गाइस इट्स टाइम टू टेक ऑफ। जो फाइनली टेक ऑफ हो रहा है फायर स्टेशन टू। देखो यहाँ पे कितने सारे स्टेशन थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक में कितने बड़े एरिया में फैला है। बस टेक ऑफ होने वाला है, प्लेन ने स्पीड पकड़ ली है। मेरे को उतना कुछ वो नहीं लग रहा खास, पर थोड़ी बहुत ऐसा प्लेन हिल रहा है ना तो टेंशन हो रही है। बस टेक ऑफ यार, बहुत देर से टेक ऑफ हो ही नहीं रहा, बस अभी चले जा रहा है चले जा रहा है। लग रहा है बस का टिकट कटवा लिया अपन ने, पता नहीं कब उड़ाएगा इसको ये, वो कब से इसको चला ही रहा है वो। मेरे को लग रहा है ये फाइनल यहाँ पे रोकेगा, सिग्नल का वेट करेगा, देन उसके बाद वो उड़ाएगा। तीसरी बार इसने रोका है। देखो सामने जेट एयरवेज भी है, देख रहे आप वो जेट एयरवेज का प्लेन है वो। चावल और चिकन है, नॉनवेज है, स्पून से इस तरह और खाई बाकी अच्छी होगी। कौन बॉटल भी नहीं रहने था अपने खाते खाते इस घर से नज़ारे को देखो तो अलग ही मजा है भाई। मैं बोलूँगा नॉनवेज में चिकन आता है, बढ़िया मैं ऑमलेट आया है एकदम खाना काफी अच्छा था। मैं जो जो ऑमलेट ऑमलेट काफी अच्छा था, इस तरह का फूड वैसे अच्छा होता है। इसके अंदर गर्म पानी है जो भी, और इसके अंदर शुगर और हमारा क्या कहते हैं क्रीम है जो भी दूध होता है वो इसके अंदर है। तो अच्छे मस्त चाय बनाते और पीते हैं हम चाय। एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया जिसे कहते हैं धारावी, देखो कितनी बड़ी है, कितने एरिया में है। मुंबई की बिल्डिंग काफी ज्यादा बेहतर दिखती है, यहाँ पे ग्रीनरी काफी ज्यादा दिख रहा है, पहाड़ भी कई सारे एरियो में। मे बी ये विरार या फिर थाने साइड हुआ। फाइनली हम मुंबई के अंदर एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो बिल्डिंग मेरे सामने है। तो हम हो चुके हैं मुंबई के अंदर लैंड, मतलब लैंड नहीं हुए भी हवा में है, लैंड होने वाले हैं बस, लेकिन मुंबई के अंदर एंटर कर चुके हैं हम। ये देखो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये देखो बिल्डिंग दिख रही है, बस 10 मिनट के अंदर हम लैंड कर जाएंगे मुंबई के अंदर। ये देखो फ्लाइट कितनी जा चुकी है, यहाँ से आपको घर भी दिख रहे होंगे। बहुत 10 मिनट के अंदर मुंबई के अंदर सब शहर। काफी
लैंड हो गए मुंबई के अंदर, विंग्स खुल चुके हैं एयरप्लेन के, बंद भी हो गए, फ्लाइट खाली हो चुके है, बस मैं अकेला हूँ फ्लाइट के अंदर। यहाँ पे यहाँ से बाहर फ्लाइट काफी ज्यादा अच्छी थी, मजा आ गया, थोड़ा कुछ झटके भी दिए फ्लाइट में, कोई बात नहीं, खाना बहुत काफी अच्छा था और मैं तो एक घंटे सो ही गया ना, तो बाहर चलते हैं सामान लेते हैं, चलते चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट। ये भी काफी ज्यादा प्यारा है यार, यहाँ बस अपने सामान का वेट कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कब तक मेरा सामान आता है, उसको लेके सीधा चलते हैं होटल रूम, कैब बुला लेता हूँ मैं, पर ये वो अंकल जो सो गए थे फ्लाइट के अंदर, मतलब फ्लाइट से पहले उनको मैंने उठाया था, निकल चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर। मुंबई का एयरपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा है, दिल्ली उतना क्लासिक नहीं, बट ये काफी ज्यादा क्लासिक है, अच्छा आउट एयरपोर्ट है। दिल्ली में मुंबई पहुंच गया, देखो मुंबई ऑटोज, ब्लैक ऑटोज, फाइनली मुंबई में आ चुका हूँ, और तो बैठ के जा रहा हूँ लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी में ज़्यादा लोग ऑटो प्रेफर करते हैं, मेरे को अंकल ने बताया, उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की, और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा लोकेशन है यहाँ पे, मतलब जो लोकेशन मैंने उनको बताया, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने मेरे को बताया कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पे आपको जाना है, और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, ऑटो पकवाया सब कुछ, उन्होंने बताया कि कैसा क्या है मुंबई का सीन, कैसे लोग हैं, कैसा सीन है, किस जगह घूमना चाहिए, किस जगह रहना चाहिए, बस यही देखो आपको मुंबई आपको बताता हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ जल्दी से, पहुंचे लोकेशन पे